स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का इकोनॉमिक्स का, ठीक है, वीकली टेस्ट का दोस्तों सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस को, ठीक है। और आज के इस वीडियो में दोस्तों जितने भी प्रश्न रखे गए हैं वो दोस्तों सभी का सभी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप दोस्तों कल एग्जाम दे करके आइए और तब आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, क्योंकि दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस को रखा गया है और आज से क्वेश्चन दोस्तों छूटने वाला एकदम नहीं है, ठीक है। एक नंबर दोस्तों सारा का सारा प्रश्न है और जितने भी सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस इस वीडियो में रखा गया है, ठीक है, ठीक है, मैं आपको खोल करके एक बार बता देता हूँ कि जो भी सब्जेक्टिव में जो क्वेश्चंस रखा गया है ये दोस्तों आपका वीकली टेस्ट के लिए दोस्तों चार चांद वाला वीडियो है और साथ आपका बोर्ड एग्जाम जो है 2025 होगा, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2025 होगा उसमें भी दोस्तों आपका पांच नंबर यहाँ से पक्का होने वाला, ठीक है, पांच नंबर, ठीक है, मैं गारंटी लेकर कहता हूँ, ठीक है। आपको विश्वास नहीं है आप इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, तब बाद में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग इसको हटा दीजिए, ठीक है। आप लोग समझते हैं कि एमसीक्यू होता है 10 गो और बाकी 6 गो सब्जेक्टिव होता है, ठीक है, इसको हटाइए, यहाँ से चलते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे जो पहला प्रश्न पूछा गया एमसीक्यू के रूप में, क्या पूछा कि किस बाजार में, ठीक है, एआर यानी कि आपका एवरेज रेवेन्यू जिसको हम लोग औसत क्या कहते हैं तो संप्राप्ति कहते हैं, वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होती है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको डायग्राम के सहायता से समझाता हूँ, ये एक्स अक्ष हो गया, ठीक है, और बाकी आप जानते ही वाई अक्ष, ठीक है। यहाँ दोस्तों बताया जा रहा है कि एआर जगह जो वक्र होगा औसत रेवेन्यू का जो वक्र होगा एआर के यानी कि एक्स अक्ष के समानांतर होती है, ये कौन से बाजार में होता है, ठीक है, आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो आप लोग यहाँ पर समझिएगा कि ये जो आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है, ठीक है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या होता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वैसे बाजार को कहते हैं जहाँ पर, ठीक है, जो वस्तु है वस्तु का जो कीमत होगा, ठीक है, वो आपका बाजार के अनुसार चलेगा, ठीक है। यानी कि जो मार्केट में मान के चले कि आलू का कीमत 20 रुपये है तो 20 रुपये ही जो सब कोई बेचेगा, इससे 1 रुपया कम और ज़्यादा कोई नहीं कम बेच सकता अपना नुकसान के लिए, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा कोई नहीं बेचेगा, ठीक है। इसको कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, जिसमें दोस्तों बहुत सारे विक्रेता भी होते हैं, बहुत सारा क्रेताएं भी होती है, यानी कि खरीदने वाली भी ज़्यादा होती है और बेचने वाला भी ज़्यादा होता है, ठीक है। देखिए आज का ये वीडियो दोस्तों थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए लंबा हो सकता है क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको A to Z समझा कर बताऊँगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप इसको समझ लेंगे तो बोर्ड एग्जाम 2025 में भी दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आप आराम से लिख सकते हैं और साथ में कल आपका वीकली टेस्ट होगा उसमें दोस्तों अगर समझ के जाइएगा तो आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जाम के टाइम वीडियो बनाया करता था, ठीक है। दो नंबर, किस बाजार में दोस्तों औसत रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ दोस्तों आपको बताया गया है कि जो एवरेज रेवेन्यू है ये मार्जिनल रेवेन्यू के कब बराबर होता है, कौन बाजार में, एकाधिकार बाजार, नहीं सर, क्यों नहीं, एकाधिकार बाजार में क्या होता है कि ये अपना मर्जी से ये वस्तु का रेट को बढ़ा सकता है, ठीक है। मान चलिए खरीदा था 10 रुपये में और एकाधिकार बाजार में क्या होता है, हो सकता है तो 100 रुपये में बेचते, ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ, एवरेज था जो आपका मार्जिनल के बराबर है, नहीं बराबर है, ये दोस्तों आपका केवल और केवल पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों तीन नंबर आपसे पूछ रहा कि फर्म का लाभ, ठीक है, फर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने में अधिकतम होता है। सबसे पहले एक शब्द आता है फर्म, ठीक है, फर्म क्या होता है, ठीक है, पहले आप लोग ये समझ लीजिए, ठीक है। फॉर्म दोस्तों वही सभी चीज़ों को कहते हैं जहाँ पर मान चलिए किसी भी एक चीज़ का उत्पाद या फिर निर्माण होता है, ठीक है। मान चलिए दोस्तों आप जो है, ठीक है, छोटा सा हम उदाहरण लेते हैं, मान के चलिए आपका आलू का फैक्ट्री है, ठीक है, आलू का, ठीक है, कि आप साल भर आप आलू को स्टॉक किया हो तो जहाँ पर स्टॉक किया वो आपका फॉर्म है, ठीक है। मान चलिए कि कोई साइकिल का बिजनेस किया, ठीक है, तो उसके लिए साइकिल का जो बिजनेस है, ठीक है, वो किस प्रकार का है, फॉर्म के रूप में, यानी कि बहुत बड़ा उत्पादक के रूप में, ठीक है। तो फॉर्म का लाभ निम्न से किस शर्त को पूरा करने में अधिकतम की जाती है, तो दोस्तों मैं यहाँ पर बता दूँ कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है मार्जिनल कॉस्ट के बराबर के लिए, ठीक है, और MC यानी कि जो आपका मार्जिनल कॉस्ट होगा वो आपका वक्र रेखा MR के नीचे से कटे, ठीक है। यानी दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं AB जो दोनों कथन वो वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि सही कथन, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक और जरूरी बात दोस्तों, अगर आप लोग इकोनॉमिक्स का नोट्स लेना चाहते हैं जो कि बेहतरीन क्वालिटी में आपको मिल रहा है, ठीक है, अगर आप लोग इकोनॉमिक्स का नोट्स लेना चाहते हैं जो कि मस्त क्वालिटी में दोस्तों, आप चाहे साइंस का है,
कॉमर्स का है या फिर आर्ट्स के विद्यार्थी है। नोट्स आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल अगर आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं। दोस्तों जो प्राइस रखा गया दोस्तों बहुत ही मिनिमम फिर रखा गया, ठीक है, 49 रुपये, ठीक है, जिसमें दोस्तों ऑल चैप्टर का रखा गया और ये जो नोट्स है इस नोट्स आपका MCQ और आपका सब्जेक्टिव एक एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला, ठीक है। अगर आपको विश्वास नहीं तो पुराना आप क्वेश्चन पेपर से मिला सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जो नंबर है इस नंबर पर दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप करने के बाद आप नोट्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं चार नंबर, ठीक है। चार नंबर कहता है कि फॉर्म को संतुलन की प्रथम शर्त है, तो फॉर्म के संतुलन को यानी कि बाजार को संतुलन रखने का शर्त क्या है, तो यही होता है कि जो मार्जिनल कॉस्ट या मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट जो है मार्जिनल रेवेन्यू के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। पांच नंबर, सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब, सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होता है, ठीक है। यानी याद रखिएगा टोटल कॉस्ट के बराबर कौन होगा, टोटल रेवेन्यू होगा, ठीक है, पांच का ये नंबर। इसके बाद दोस्तों छह नंबर, पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है, ठीक है, पूर्ति किससे जुड़ा होता है, पूर्ति दोस्तों कीमत से जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, कीमत से, ठीक है। मान के चलिए अगर पूर्ति ज्यादा है तो कीमत क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। पूर्ति कम है तो कीमत क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मान चलिए कि बाजार में जो है आलू बहुत ज्यादा, आलू छोड़ दीजिए, भिंडी हो गया, बैंगन हो गया, ठीक है, मान चलिए सब्जियां बहुत ज्यादा बाजार में गिरा हुआ, ठीक है, तो क्या होगा कि देखिए कि अगला दिन था ये 40 रुपया और आज आपको 20 रुपये में मिला, किस लिए मिला, क्योंकि पूर्ति ज्यादा है और खरीदने वाला कम है तो कीमत इसका डाउन होगा। और यहीं पर मान चलिए थोड़ा थोड़ा सब्जी है तो 40 रुपये किलो जो 20 का था वो 40 हो गया, यानी कि पूर्ति कम है, ठीक है, तो मार्जिन आपका जो कीमत का हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और अगर दोस्तों आप लोग क्लास भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास के लिए दोस्तों आपको फी रखा गया 199 रुपये, जो क्लास ज्वाइन किए हैं वो दोस्तों ये क्वेश्चंस को आराम से बना देंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो क्लास में ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट कराया गया है, ठीक है। अगर आप लोग क्लास भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा, ठीक है, इस नंबर पर जो अभी आप नंबर पर व्हाट्सअप किए थे, ठीक है। नोट्स लेना चाहते हैं फिर क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग व्हाट्सअप जरूर कीजिए और क्लास को ज्वाइन कीजिए, नोट्स को आप परचेज कीजिए, ठीक है। चलिए छः नंबर, पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है, तो अभी हम लोग बताएं कि पूर्ति आपका कीमत से जुड़ा होता है, ठीक है। चलिए सात नंबर दोस्तों आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया कि वस्तु की पूर्ति की निर्धारित घटक कौन है, अगर वस्तु की पूर्ति की निर्धारित घटक कौन हो जाएगा, वस्तु का कीमत के अनुसार, संबंधित वस्तुओं की कीमत, उत्पादन साधनों की कीमत और उपयोग सब, यानी कि सभी चीज के कारण पूर्ति आपका तय होता है कि पूर्ति ज़्यादा होगा या कि कम होगा, ठीक है, जिसके अनुसार जितना क्रेता है उतना पूर्ति पूर्ण रहा है कि नहीं पूर्ण रहा है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है, तो पूर्ति को नियम को दोस्तों जो फलन प्रदर्शित करेगा वो आपका प्रदर्शित करेगा, किसको प्रदर्शित करेगा, तो एफ यानी कि जिसको हम लोग फलन कहते हैं वो आपका पी को यानी कि प्राइस को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। अभी हम लोग देखें कि पूर्ति किस पर निर्भर करेगा, तो कीमत पर निर्भर करेगा, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस प्रकार से समझा रहे दोस्तों, हमको आशा है कि आप एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं करके आइएगा, ठीक है। और फिर से बोल रहे हैं अगर आप लोग क्लास भी ज्वाइन होना चाहते हैं या नोट्स लेना चाहते हैं तो जो नंबर दिया गया तो उस नंबर पर संपर्क जरूर करें। नौ नंबर, अन्य बातें समान रहे तो वस्तुओं की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध का क्या व्यक्त होता है, दोस्तों बातें समान रहने पर क्या होगा, वस्तु का कीमत और पूर्ति की मात्रा में क्या होगा, तो क्या होगा आपको बताना है, ये आपका पूर्ति फलन होगा, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे दोस्तों 10 नंबर, पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है, पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है, यह कथन किसका है, यह कथन प्रोफेशनल जेबी सह का है, ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ आप लोग मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये रहा दोस्तों 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बेहतरीन तरीका से हम आपको समझा दिए और मैं आपको दावा करता हूँ कि एग्जाम में आप अच्छी तरह से नंबर को ला सकेंगे। और अगर आप लोग क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर व्हाट्सएप को नोट्स लेना है या फिर क्लास को ज्वाइन करना, तो नोट्स के लिए दोस्तों 49 रुपया है और क्लास आपको ज्वाइन करना तो 199 रुपया, ठीक है, जो कि एक बार ही आपको पे करना होगा। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद सेक्शंस भी हम लोग चलते हैं 11 नंबर, एकाधिकार प्रतियोगिता की विशेषताओं को लिखे, एकाधिकार बाजार में क्या होता है, तो एकाधिकार प्रतियोगिता की विशेषताएं निम्नलिखित है, पहला विक्रेताओं की अधिक संख्या, ठीक है, विक्रेताओं की अधिक संख्या, ठीक है, यहाँ पर एकाधिकार में होता है
उसके बाद दोस्तों आपका वस्तु विभेद होगा, ठीक है। यहाँ पर एक अधिकार प्रत्ययों के विशेषताएं निम्नलिखित है जो कि विक्रेताओं की अधिक संख्या, ठीक है, वस्तु विभेद, फर्मों का बाजार में स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन, ठीक है, और ऑप्शन यानी कि चार नंबर में विक्रय लागत, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग देखिए, इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर। 12 नंबर दोस्तों कहता है सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि द्वारा उत्पादक का संतुलन समझाइए, ठीक है। सीमांत लागत और आपका सीमांत, ठीक है, आगम और सीमांत लागत विधि के द्वारा उत्पादक का संतुलन समझाइए। आंसर में लिखिए कुल आगम, जिसको टोटल रेवेन्यू से दर्शा रहा है, एक फर्म द्वारा किसी वस्तु की विशेष मात्राओं को बेचने में से बेचने से जो राशि प्राप्त होती है उसे कुल आगम यानी कि टोटल रेवेन्यू कहते हैं। यानी कि कोई भी फर्म के द्वारा, मान के चलिए कि किसी भी कारखाना है, मान के चलिए लोहा का कारखाना है या फिर आपका ऊन का कारखाना, ठीक है, उस कारखाने के द्वारा जितने भी आपका राशि प्राप्त होता है, पैसा प्राप्त होता है, उसी को टोटल रेवेन्यू कहा जाता है, ठीक है। सीमांत आगम, जिसको हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं, एक अतिरिक्त इकाइयों को बेचने से कुल आगम से होने वाली वृद्धि को सीमांत आगम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद सेक्शन सी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। सेक्शन सी में दोस्तों आपका 13 नंबर, एक लागत तालिका की सहायता से, ठीक है, एक लागत तालिका के सहायता के सीमांत लागत MC जिसको हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं और औसत लागत जिसको एवरेज कॉस्ट के बीच के संबंध आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखना है कि याद ध्यान रहे कि MC यानी कि मार्जिनल कॉस्ट और आपका एवरेज कॉस्ट दोनों जो टोटल कॉस्ट से निकाले जाते हैं। पुनः MC यानी मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में परिवर्तन लाती है, ना कि AC और MC में परिवर्तन लाती है, ठीक है। अतः दोस्तों यदि MC यानी मार्जिनल कॉस्ट गिरता तो AC भी यानी कि एवरेज कॉस्ट भी आपका क्या होगा, गिरा देगी, ठीक है। यदि दोस्तों मार्जिनल कॉस्ट आपका, देखिए MC का मतलब होता है फुल फ्रॉम मार्जिनल कॉस्ट, AC का मतलब होता है एवरेज कॉस्ट, ठीक है। आप लोग छोटा छोटा चीज आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर MC बढ़ता है तो AC भी ऊपर की ओर खींचेगा, AC भी बढ़ेगा, ठीक है। दोनों में संबंध निम्नलिखित तरीकों से स्पष्ट है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखें। अगर दोस्तों सीमांत लागत और औसत लागत से कम है, सीमांत लागत जिसको दोस्तों हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, अगर औसत लागत से क्या है तो कम है, अगर औसत लागत ज़्यादा है तो औसत लागत क्या होती है, गिरती है तालिका में या तीसरे स्तर का इकाई है। जब दोस्तों सीमांत लागत जिसको हम लोग मार्जिनल आपका क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है, और औसत कॉस्ट के बराबर हो तो औसत लागत स्थिर होता है और यह चौथी इकाई से प्रकट होती है। जब सीमांत लागत जिसको MC कहते हैं, ठीक है, MC जो है MC लागत औसत से अधिक होता है, ठीक है, यानी कि AC से अधिक होगा तो औसत लागत बढ़ेगा और यह पाँचवीं या छठी इकाई को स्पष्ट करता है। इस प्रकार से आप लोग अंतर को समझ लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर देखें 14 नंबर कि एकाधिकार बाजार में मूल्य निर्धारण कैसे किया जाता है, यानी कि एकाधिकार बाजार में मूल्य को, जो भी वस्तु है, वस्तु की कीमत को कैसे निर्धारण किया जा सकता है, ठीक है। आंसर में लिखिएगा एकाधिकार का एकमात्र उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करने की होती है, जिसके लिए निम्न शर्त को पूरा करना होता है, जैसे सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होना चाहिए, जो मार्जिनल रेवेन्यू जो होगा मार्जिनल कॉस्ट के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 2 नंबर हम लोग देखें तो 2 नंबर दोस्तों आपको बताया जा रहा है कि संतुलन बिंदु पर, ठीक है, सीमांत लागत विकृत वक्र सीमांत आय को नीचे से काटते अधिकार की, ठीक है, स्थिति में औसत एवं सीमांत आय की रेखाएं दाएं से नीचे की ओर झुका होता है, जैसे कि आप रेखाचित्र को देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रेखाचित्र हम नहीं बनाए, इतना आप लोग लिख लीजिएगा, नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों आपका जो क्वेश्चन लगता है, इस बार हम 15-16 लेकर आए थे फिर लेकिन कट गया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग फिर से बोलते हैं कि क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर नोट्स को बाय करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा जरूर, ठीक है। और